ये सांप की कासड़ी है, जो सांप ऊपर की कासड़ी उतारते हैं ना, ये सांप की कासड़ी, बड़े सांप की कासड़ी है ये। ये कासड़ी ऐसी सही है जो चौकड़ी वाला ऊपर निशान होना चाहिए, गोल गोल चक्कर वाली नहीं, चौकड़ी वाला निशान होना चाहिए। चौकड़ी पड़ती हो ऐसी सांप की कसली लेने की है। देखो इसमें चौकड़ी वाला निशान है, चौकड़ी पड़ती है ऐसी चौकड़ी वाली सांप की कासड़ी एक लेनी है, 2 से 2.5 फुट की। इसको बारीक चूर्ण कर देना है, इसके अंदर अभ्रक सत्व भस्म जो पारस योग से बनाई हो, पारस योग से बनाई हो ऐसी अभ्रक सत्व भस्म डालनी है। एक तोला डालनी है, एक चमची डाल देता हूँ तो एक तोला हो ही जाएगी। ये अभ्रक सत्व भस्म है, पारस योग से बनाई है। पारस और अभ्रक सत्व दोनों संभाग लेकर फूट दिया है, संभाग में ऐसी ये अभ्रक सत्व की भस्म है। अभ्रक की भस्म नहीं है, अभ्रक सत्व की भस्म है। इसके साथ खरल करेंगे तो सांप की कासड़ी एकदम पाउडर हो जाएगी। इतना खरल करना है सांप की कासड़ी और दोनों को कि सांप की कासड़ी की चमक नहीं रहनी चाहिए, बिल्कुल सांप की कासड़ी के अब बारीक पाउडर हो जाना चाहिए बिल्कुल। इतना खरल करना है, ये जो सांप की कासड़ी की चमक दिख रही है वो बिल्कुल दिखनी नहीं चाहिए, कजली में मिक्स हो जावे, शेज भी चमक दिखे नहीं, इतनी देर तक खरल करना है बिल्कुल। देखो अभी भी खरल चालू है लेकिन अभी सांप की कासड़ी की वो चमक दिख रही है, देखो चारों तरफ वो नहीं दिखनी चाहिए, बिल्कुल कजली जैसा हो जावे वहाँ तक खरल करना है। 3 घंटा होवे कि 6 घंटा होवे, कितना भी टाइम जावे खरल करने में, सांप की कासड़ी की शरम जो चमक है वो दिखनी नहीं चाहिए, कजली में मिक्स हो जावे, इतनी देर तक खरल करना है, ये हमेशा याद रखना है। देखो अभी भी छोटा छोटा कण चमक के रूप में सांप की कासली का दिख रहा है, वो बिल्कुल दिखना नहीं चाहिए। जैसे पारस गंधक की कजली करते हैं और पारस की चमक बिल्कुल कजली में दिखती नहीं है, बराबर इसी तरीके से इसमें सांप की कासली की चमक दिखनी नहीं चाहिए, इतनी देर तक खरल करना है। अभी भी चमक तो दिखती है थोड़ी थोड़ी, लेकिन खरल अभी करना है, वो भी चमक सब पाउडर हो जाएगा, बिल्कुल कजली हो जाएगी, सांप की कासली की ही चमक है ये। इसमें ये
फटकड़ी का पाउडर है, फुलाई हुई फटकड़ी का पाउडर है, ये इसमें 2 चम्मच डालना है, 2 चम्मच। दो चम्मच डाल देते हैं। और ये गौमूत्र आदि काली जीरी सार है, गौमूत्र आदि काली जीरी सार, जो पहले मैंने वीडियो बनाया था गौमूत्र आदि काली जीरी सार कैसे बनाया जाता है, वो भी 2 चम्मच डालना है। ये डाल देते हैं। अब बाद में उसको खरल करना चालू रखेंगे। ये गंधक जान किया हुआ मूर्छित पारद है, जो लाल पारद है, मूर्छित पारद उनको कहा जाता है, गंधक जान किया हुआ है। ये 80 ग्राम लेना है। हो गया 80 ग्राम, वो भी इसमें डाल देना है। इसमें एकदम लाल पारद है, देखो मूर्छित किया गंधक से, गंधक जान करके मूर्छित हुआ पारद है, ये मूर्छित पारद कहा जाता है। ये इसमें डालकर अब खरल करना है, खरल चालू ही रखनी है। देखो एकदम लाल पारद है, मूर्छित पारद। 80 ग्राम गंधक रसायन ले रहा हूँ, 80 ग्राम लेना है। ये 98 ग्राम हो गया, एक चमची निकाल लेता हूँ। हो गया। ये गंधक को इस दवा के साथ खरल करना है, कजली करना है। अब इसमें मिला दिया। अब इसमें अति विष की मीठी कली भी 1 तोला डाल दिया है, अति विष की मीठी कली 2 तोला, 1 तोला डाला है, वो भी डालनी है, वो डाल दिया है। अब उनको सभी को एक जान करना है, कजली जैसा बनाना है। ले ले आधा इनगड़ी कम ना आधा पड़ेगी। ये गोडम भी चूरण है, 2 चमची डालना है, 2 तोला डालना है, 2 चमची डालेंगे तो 2 तोला हो जाएंगे। अब ये वसनाग चूरण है, शुद्ध किया हुआ वसनाग, ये भी 2 चमची डालना है, 2 तोला डालना है। 1 चमची 1 तोला होता है, 2 चमची डालेंगे एटले 2 तोला हो जाएगा। ये वचनाग चूरण है, वो जहर कुचला चूरण था, ये भी 2 तोला डालना है। एक चमची 1 तोला होता है। ये भांगरा चूरण है, भांगरा का चूरण भूंगराज, ये भी 2 तोला डालना है। बस अब सभी को खरल करना है, सभी को मिक्स खरल करना है। ये 2 भाग में छोटी खरल है, इसलिए 2 भाग किया है, आधा भाग यहाँ रखा है, आधा भाग यहाँ। पहले आधा भाग का खरल कर देते हैं, बाद में ये आधा भाग का खरल करेंगे। सभी मिक्स हो जावे, बाद में उसमें गौमूत्र का क्षार, गौ का गौमूत्र क्षार 2 तोला डालना है, 2 तोला। बाद में उनके सेने प्रमाण गोली वाल लेने की है।
इसी हिसाब से क्षणा प्रमाण गोली बालनी है, गुटिका करनी है, क्षणा प्रमाण वटाणा समा एक गोली सहज के साथ हर दिन, दिन में दो बार, सुबह में एक बार और शाम को एक बार देनी है। ये गोली वार कर साये पे सुखाने के लिए रखिए। नीम की कड़वे नीम की लिंबोली के रस से पिंजो कर उनको गोली बालनी है। कड़वे नीम के लिंबोली के रस से, कड़वे नीम के फल जब दूध वाले लिंबोली होती है फल, तब उसका रस निकाल कर ये रस के मदद से उनकी गोली बालनी है। कैंसर रोग के लिए अक्सीर दवा है। पहला और दूसरा स्टेज में का कैंसर तो नष्ट हो ही जाता है, पहला और दूसरा स्टेज का कैंसर नष्ट हो ही जाता है, तीसरा और चौथे की कोई गारंटी नहीं है, फिर भी इसमें बहुत अच्छा राहत तो मिलता ही है। पहला और दूसरा स्टेज का कैंसर तो नाबूद हो ही जाता है।